हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद और आज हम ये करने वाले हैं नदीम सरवर के नोहे पे, जो आज का नोहा का टाइटल है गाइस, बादशाह हुसैन। और ये 2016 का नोहा है जो काफ़ी, आप तो जानते हैं कि पूरा वर्ल्ड में एक नंबर में मानता हूं नदीम सरवर जी को नोहा खाने में। और इनका मतलब जवाब ही नहीं है, इनका शुरू से लेके अभी तक जितना भी नोहा है, हर नोहा में लोगों को दिलों के टच करते हैं, दिलों पर राज करते हैं। और जब स्टार्ट करते हैं अपना नोहा खानी तो लोग आँख से आंसू गिरते हैं। और मौला हुसैन अब्बास अलमदार अली और अली असगर जितने भी लोग हैं शहीदाने करबला में, सबकी यादों को ताज़ा कर देते हैं इस नोहा से। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। अगर हाँ, कैसा लगता है ये हमारा रिएक्शन वीडियो जो नोहा भाई स्टार्ट किया हमने गाइस, उस पर कॉमेंट जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो भी आते रहेगा। जरूर कॉमेंट करिएगा, लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इस नोहा खानी को, नोहा को नदीम सरवर जी का, फिर उसके बाद बात करते हैं आपसे। कॉपीराइट तो आता है गाइस, क्या किया जाए। और नेक्स्ट सर तो कंपनी इनको दिया है ना, बादशाह हुसैन किंग हुसैनी करबला। बादशाह हुसैन हुसैन बादशाह हुसैन ये दीन पनाही का शरफ किसको मिला है, ये किसका लकब है जो सरे अर्श लिखा है। अजमेर के ख्वाजा ने ये सच खूब कहा है, लारैब के शब्बीर ही कलमे की बका है। शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दी अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ना इलाह अस्त हुसैन। मौला बड़ा काम किया, दीन खुदा काम किया, कर न सका कोई कभी, तूने वही काम किया। वादा वफा करके रहा, सर न झुका, अब पे जिया। सबसे बड़ा मेरा खुदा करता रहा ऐलान हुसैन। खुदा नोके सिना तक जो गया, इश्क में जो तूने दिया कोई भी वो दे न सका। नूरे खुदा दस्ते खुदा तेरे सिवा कौन हुआ, कहना पड़ा लिखना पड़ा है ये तेरा एहसान हुसैन। शान हुसैन अजमत इंसान हुसैन बोलता कुरान
हुसैन मैं तेरे कुर्बान हुसैन मेरे हरम रब की कसम तेरा ये गम होगा ना कम फर्श अदा की सदा है ये तेरा फैजान हुसैन जवान तश्न लबाओ बे वतना बे कफना तेरे लिए है ये फुगाओ अर्शो जमीन नौहा कुनाओ दर्द दिलाओ तश्न दहा खुश्क जबाओ नोके सिनाओ तन से जुदा सर था मगर पढ़ता रहा कुरान हुसैन तेरी हर दिल में बसा है हर दिल में अजा खाना तेरा आज सजा है कुरान मसाइब में तेरा नाम लिखा है मातम की सदा है कि ये तू बोल रहा है इश्क खुदा तेरी अदा नाम तेरा जिंदा रहम करबला की है सदा तू है बड़ा इंसान से रहेगी वो कौम जो बेदार है गम तेरा करेगी आवाज़े अज़ा जो तेरे रोजे से उठेगी वल्लाह खुदाई तेरी आवाज सुनेगी शाह ज़मन हादी यमन नाज़े चमन शीरी सुखन शान नबी शान अली यानी मेरी जान हुसैन राहत मान करब बला सरवर रे होने अजा दौलत मान करब बला हम है सफी राने अजा शाह हुदा तुम पे सदा जान करे तुम पे फिदा है ये मेरा अरमान हुसैन ये था गाइस नदीम सरवर का नोआ जो काफ़ी अच्छा लगा और ऐसी आवाज़ है इनकी जो दिलों पे छा जाती है मतलब लोग आंख से आंसू गिरने लगता है और क्या मंजर होगा वहाँ करबला के जो करबला जाते होंगे लोग करबला में होंगे इतनी भीड़ इतनी मजमा है मुहर्रम के टाइम में और लोग मतलब वहाँ कैसा फील होता होगा
हम लोग यहाँ इमाम हुसैन की याद मनाते हुए मतलब इतना गमगीन हो जाते हैं, ऐसा लगता है इमाम हुसैन के बारे में सोच के वहाँ जो लोग होंगे जाते होंगे। मुझे भी तमन्ना है गैस कि मैं भी करबला जाऊँ और उस मंजर को देखूँ और मुहर्रम के खास करके उस मंजर को देखूँ। जो जो अगर होंगे अगर देख रहे हो वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताइए गैस कैसा लगता होगा वहाँ और क्या मतलब कैसे जाया जाता है ये भी मुझे मालूम नहीं है, ये सब के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इनका नोआ तो काफ़ी ज़बरदस्त है, इनके बारे में तो तारीफ़ करना मतलब वो आला मकाम में है और इनका मतलब बहुत अच्छा लगता है नोआ, और काफ़ी नोआ अच्छे अच्छे हैं इनके जिसपे मैं रिएक्ट करने वाला हूँ। चलिए फिर मिलते हैं एक और न्यू रिएक्शन वीडियो लेके, तब तक के लिए गाइस खैर भी अमान अल्लाह, जजाक अल्लाह खैर।